अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू योर बायो लेक्चर। सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। सो ओपन चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड पेज नंबर 28। सो फर्स्ट मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे बेसिकली इस टॉपिक में कि किस तरह से किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए मैथ्स किस तरह से उसमें सेंट्रल किरदार अदा करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैथ बायोलॉजी? यूज़ मैथमेटिक्स टू आंसर बायोलॉजिकल क्वेश्चन, यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। यूज़ बायोलॉजी टू पोज इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इज़ बायोलॉजी नेक्स्ट माइक्रोस्कोप ओनली बेटर। बायोलॉजी इज़ मैथमेटिक्स नेक्स्ट फिजिक्स ओनली बेटर। सो दिस इज़ अ कोट, बेसिकली एक कोट है जो किसने कही थी, जोएल कोहेन। सो ही वॉज अ साइंटिस्ट जिसने क्या कहा था, मैथमेटिक्स क्या है, इज़ बायोलॉजी नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, यानी कि बायो फिजिक्स और इस तरह से जितनी भी ब्रांचेस हैं साइंस की, मैथमेटिक्स क्या है उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। बायोलॉजिकल मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, हमने प्रीवियसली पढ़ा डिफरेंट इक्वेशंस जो मैथमेटिकल फॉर्म में दी जाती हैं, लॉज एंड थेरीज, तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस और डिफरेंट रूल्स को जैसे कि प्रोपोर्शन और रेशियो का मेथड है, क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करते हैं। मेजर बायोलॉजिकल मेथड्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज इंक्लूड जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो आगे आप जाके पढ़ेंगे। जीन फाइंडिंग यानी जिसमें हम जीन का पता लगाते हैं कि कौन सा बॉडी में प्रेजेंट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन प्रोटीन जो डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं वो क्या प्रेजेंट होंगे। सो दिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यानी इस ये क्या इसमें क्या यूज़ होंगे, मैथमेटिक्स यूज़ होंगी। इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। सो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बेसिकली जो बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये हम आगे जाके फर्दर लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ बायो इन्फॉर्मेटिक्स द कॉम्बिनेशन और मैरिज ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज़ रिसेंटली डिवेलप्ड साइंस यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फिनोमिना। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्पिटिशनल टूल्स एंड मेथड्स यूज टू मैनेज, यानी इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टूल्स की हेल्प से एनालाइज किया जाता है डिफरेंट डाटा को और उसको स्टोर किया जाता है। नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दिस रीजन शोज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी इसका क्या मतलब है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कुछ केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, बायो भी, कंप्यूटर साइंस और स्टेटिस्टिक्स भी। सो इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऑल्सो भी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कंप्यूटर्स पे जो हम बायोलॉजी का डाटा स्टोर करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। लेटर इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ क्वान्टिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स इन मॉडलिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी मॉडलिंग ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, जीन स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आप स्टडी करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट टूल्स की हेल्प से उनको स्ट्रक्चर्स को स्टोर किया गया होता है। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रिक्वायरिंग एडवांस्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स। सो ये जो टॉपिक था, आपको सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया है पेज नंबर 28 पे, यू जस्ट हैव टू लर्न दैट पैराग्राफ। इसमें आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, यू डोंट हैव टू लर्न दिस एक्सप्लेनेशन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था बस। इफ यू लुक एट पेज नंबर 28, मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज इंक्लूड जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। सो आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है। सो जस्ट योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू लर्न द टॉपिक ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ scientific process. So that was all for today. I hope today's lecture is clear. Until next class, Allah Hafiz students, and take care.